आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए कुल 21,500 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। अगर आप लोग केवल 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं है और आप लोग इंडियन कैंडिडेट हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और ट्रेड्समैन जैसी पदों पर भर्तियां आ चुकी हैं, जहां पर मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आवेदन आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की जो फॉर्म फीस है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपए, और बाकी यहाँ पे अगर आप लोग SC ST या PH फिर महिला उम्मीदवार है तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन शुल्क अप्लाई नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि नोटिफिकेशन आगे हम ओपन करेंगे, आवेदन कब से और कैसे करना होगा, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की लगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, देन आगे की बात डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों आवेदन पत्र ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं CRPF की तरफ से रिक्रूटमेंट है। डिटेल यहां पे आपको बोला गया बी फील्ड इन ब्लॉक लेटर्स ओनली। यहां पे आपको टोटल 3 तरह की पोस्ट मिलेंगी, जहां पे यहां पे आपको पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। यहां पे अपनी आप लोग लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर बताना होगा, 2 एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि खुद का नाम जो आवेदन करने वाला है, फादर्स नेम और मदर्स नेम यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालनी होगी, कोई सी भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ सके और आपको एग्जाम की इन्फॉर्मेशन मिल सके। कैटेगरी के अंदर आपको बताना है कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल या SC ST OBC EWS। इसके बाद रिलीजन आपको बताना है, हिंदू मुस्लिम कौन से हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यस और नहीं है तो नो, और नेम ऑफ एम्प्लॉयर अगर आप लोग यस फिल करते हैं तो आपको डालना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, और इसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल करना होगा। इसके बारे में आखिरी में हम बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी डिटेल में समझ में आ सके। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं CRPF रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 21,556 पदों पर यहां पे ट्रेड्समैन पोस्ट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आपको नोटिफिकेशन को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना होगा। देन इसके बाद नीचे आते हैं तो आपको यहां पे बेसिक लेवल से लेकर अपर लेवल की सारी जानकारी दी गई, जैसे कि यहां पे टोटल आपको 21,556 पदों पर इस बार भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं। देन इसके बाद आपका डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होने वाला है। CRPF कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ट्रेड्समैन की पदों पर भर्तियां आ चुकी हैं। 21,556 आपको यहां पे पोस्टें मिलेंगी और आप लोग अप्लाई अप्रैल 2021 से लेकर मई 2021 के बीच में कर पाएंगे। इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से करना होगा, अक्रॉस इंडिया से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आप लोग यहां पे देख पाएंगे 10th और 12th पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो 18 से लेकर 33 साल का कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटर्न एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगी जो यहाँ पे 18,000 रुपए से लेकर 59,100 रुपए तक की होने वाली है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल ओबीसी का 100 रुपए, अगर आप लोग फीमेल या SC ST कैंडिडेट है तो आपका कोई भी एप्लीकेशन शुल्क यहाँ पे नहीं लगेगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म है, आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया गया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। देन नीचे आएंगे तो न्यूज़पेपर की कटिंग दिखेगी, CRPF में होगी 21,000 जवानों की भर्ती, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जल्द होगी यहाँ पे आपको 21,566 कर्मियों की नियुक्ति करेगा। सरकार ने कुछ महीने पहले ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सिपाही के रैंक पर 54,953 कर्मियों की भर्ती करने की घोषणा की थी। सबसे ज्यादा 21,566 कर्मी CRPF में भर्ती होंगे। ये आपका निकल के आ चुका है, डिटेल में चाहिए तो नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप लोग svgyan.com वेबसाइट पे जरूर विजिट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।